वेलकम टू गुनाजी क्रिएटर। मैं हूँ ओशी ननेजा, आपकी होस्ट और दोस्त। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं एक एजुकेशनल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि घूमना फिरना तो बहुत हो चुका है। अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं, फिर घूमेंगे। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ओके, सो रेंज पढ़ेंगे हम लोग। तो रेंज क्या होता है? जैसे ही आपको पता है, रेंज से आपको वर्ड से समझ ही आ जाता होगा कि उसकी रेंज क्या है, वो कहाँ तक फैला है, उसकी डिस्टेंस क्या है। सो हम लोग एक सिंपल फॉर्म में अगर डेफिनेशन करें इसे, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट वो कहाँ तक फैला हुआ है। बट कि हमारे रियल, हम लोगों को फॉर्मूला नहीं सीखना, हम लोगों को वो भी सीखना है, बट हमें ये सीखना है ये हमारे रियल लाइफ में और हमारे जब सब मैथ्स पढ़ते रहते हैं तो क्या यूज़ होता है इसका। तो रेंज का यूज़ होता है, मतलब अगर मैं एक ये ले लेती हूँ, मतलब आप एक, मैं अभी आपको ये नहीं समझा रही, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से। लाइक इंडिया में अब अगर मोदी जी जानना चाहते हैं कि इस कंट्री से इस कंट्री तक की रेंज क्या है, मतलब कितनी डिस्टेंस है, कहाँ तक वो फैली है, तब भी रेंज का यूज़ हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जब कभी कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में, तो शॉपकीपर पूछता है कि आपको किस रेंज तक के कपड़े दिखाओ, तो हम लोग बोल देते हैं 2000 से 400, 4000 या फिर 500 से 1000 रेंज बता देते हैं। तो जैसे हम लोग कभी ऐसे नहीं लिखते रेंज कि हम लोग लिखें 500 to 600, हम लोग हमेशा जो एक से एक नंबर नहीं लिखते, बीच के नंबर गायब कर देते हैं। लाइक हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे लिखेंगे 1500 to 1000। सो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ। तो मैं पहले आपको एक नंबर लिख के दिखाती हूँ, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, जो मेन हम लोग पहले इतने ही नंबर्स ले लेते हैं। ओके, क्योंकि अभी हम लोग डिफ़िकल्ट नहीं लेवल करेंगे, एकदम पहले बेसिक, फिर हम लोग मीडियम पे आएंगे, फिर एकदम डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और वी कैन ऑल्सो राइट इज एज लाइक एच माइनस एल। हाईएस्ट मीन्स एच एंड लोएस्ट मीन्स एल। सो अभी तो मैं आपको पूरी स्पेलिंग लिख के दिखा दे रही कि हाईएस्ट होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस, माइनस का साइन नहीं है। ओके, ये होगा आपका लोएस्ट। ओके, तो अब हम लोग इसे हर जगह तो बाबा हाईएस्ट इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखेंगे नहीं, इसीलिए एक शॉर्ट फार्मूला बनाया गया है, आर इज इक्वल टू एच माइनस एल, ये होता है फॉर्मूला। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो मैं ये कलर ले लेती हूँ जिससे आपको दिखे। तो एक मिनट, अब ये देखिए, ये है हमारा हाईएस्ट नंबर और ये है हमारा लोएस्ट नंबर। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं रेंज का रेंज उतार देती हूँ और इज इक्वल टू का, फिर हाईएस्ट क्या है 5 माइनस 1। ओके, सो इसका आंसर आएगा 4, तो हमारी रेंज 4 है। बट आप लोग सोच रहे होंगे रेंज, अब वो तो 5 नंबर तक फैला है तो 4 कैसे आया? बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जब हम लोग जिस पॉइंट पर स्टार्ट होते हैं उसे नहीं गिनते, उसके आगे तक का गिनते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग 1 पे, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 नंबर पे तो खड़े हुए हैं, तो यहां से नहीं गिनेंगे, यहां से गिनेंगे। तो यहां से गिनना स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर हो जाएंगे अगर ऐसे गिनते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। अब जैसे मैं रेंज समझ लिया है, अब पहले और सब समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। अब जैसे कि हम लोग मीन पढ़ेंगे, तो मीन का, हम लोग मीन को दूसरी लैंग्वेज में एवरेज भी बोल सकते हैं। ओके, सो मीन को ही एवरेज बोला जाता है, जो आप हर जगह सुनते होंगे एवरेज, इसका ही तो मीन को ही एवरेज बोलते हैं। जैसे आप लोगों, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि आप इसका एवरेज निकालिए, जो बड़े क्लासेस में भी आता होगा, स्टैटिस्टिक्स में भी आता है एवरेज। सो एवरेज मीन को ही बोला जाता है। तो अभी मैं एवरेज इरेज कर दे रही, क्योंकि हमें हम लोगों के बुक में जो दिया होगा, हम लोगों के लेवल में ये मीन ही दिया हुआ है। ओके, सो मीन अब होता क्या है कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी चीज को मिडल रिप्रेजेंटेशन करे, लाइक एवरेज निकाले उसका, मींस वी कैन से इन। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी क्लास का। तो हम लोगों ने जैसे एग्जांपल लिया, एक कोई मैम है सेवेंथ की मैम है, और मतलब मैंने मैम को एम से डिनोट किया है, सो मैम है। अब उसमें फॉर एग्जांपल सेक्शन है ए एंड बी एंड देन सी एंड देन डी, तो इतने सेक्शन वहाँ पे है, मतलब सेवेंथ में है। ओके, सो
एक मिनट, यस। तो इतने सेक्शन सेवेंथ में है। अब अगर उन्हें एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, फॉर एग्जांपल बी का, अब हम लोगों का आया है 80% आया है बी का, ठीक है, बी का आया है 80%, बी का आया है 70% और सी का आया है 50% और डी का मैं इधर लिख दे रही क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इधर लिख दे रही डी का आया है फॉर एग्जांपल 40%। तो ऐसे हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सुन लीजिए आप लोग फार्मूला क्या होता है मीन का। अभी आप जब फार्मूला समझेंगे फिर जब हम लोग निकालेंगे फिर से क्लियर होगा। तो अब फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मींस लाइक अब हम लोग ये जो 80% सबका आया है इसे हम लोग इरेज करके ये हम लोग लिख लेते हैं 40%। ओके यही तो था। ओके सो ये था परसेंटेज सबका, तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, ये परसेंटेज था सबका। तो अब मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैं मीन का फॉर्मूला पहले आपको लिखवा देती हूँ। सम ऑफ और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ये हर जगह काम आता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी हम लोगों को एवरेज या मीन निकालना होता है तो ये फार्मूला काम आता है। तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका फार्मूला होता है। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है सम मतलब प्लस, तो करना है हम लोगों को प्लस जितने भी नंबर ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर्स दिए हैं उन सबको आपस में प्लस करके यहाँ लिखना है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एज्यूम कर लीजिए इसका सब मिला के आया है 200, फॉर एग्जांपल 200 आया है तो 200 इधर आ जाएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और 1, 2, 3, 4 ये चार नंबर्स है ना, मतलब चार टर्म्स है ना, तो इसके अपॉन 4 कर देंगे। ऐसे होता है ऑब्जर्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। ओके सो अब हम लोग इसका मीन निकालने के लिए पहले आपस में सबको प्लस करेंगे, तो हम लोग 0, 0, 0 ही हो जाएगा एंड देन 4, 5, 9 प्लस 7 हो जाएगा आपका 16 एंड देन 16 प्लस 8 हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो इसका आएगा 240 अपॉन अब कितने हैं, अब ये देखिए 1, 2, 3 and 4 मैंने ऐसे किनारे लिखा क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके सो ये अब आपका टोटल 4 नंबर्स हो गए, तो 4 लिख दिया। अब होता है 4, 5, 24 सो 4, 6, 4, 1, 4 and 4, 6, 24 एंड देन 4, 0, 0 तो इसका मीन आ गया 60। मींस अब अगर इस नंबर्स को हम लोग डिवाइड अगर आपस में बांटते हैं तो कैसे 60 आएगा, अब आप वो देख लीजिए। लाइक अब इसे इरेज कर दिए, फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया है, मैं एक बिट साइड हो जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके सो अब मैं इरेज भी कर दे रही, और अगर आपको कुछ ना भी समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप लोग मेरे वीडियो को फिर से चला लीजिएगा तो आपको और समझ आ जाएगा। ओके सो अब हम लोग जब ये नंबर लिखेंगे 80 एंड देन 80 अब हम लोगों को 60 करना है, तो 80 में मैं माइनस कर देती हूँ आपका 20 जब मैं माइनस करती हूँ यहाँ आ जाएगा 60, तो मतलब कि इसके 20 नंबर्स मेरे पास साइड आ गए। अभी जो मैं बता रही हूँ वो समझिए, तो मैं 80 में जब हटाऊंगी तब 60 आएगा, तो 20 नंबर तो एक्स्ट्रा थे तभी तो 70 प्लस 80 हो गया, तो 20 नंबर एक्स्ट्रा थे। अब यह 70 है, इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा थे क्योंकि 60 बनाने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। ओके और 50 में तो हम लोगों को 10 प्लस करना है और 40 में 20 प्लस करना है, देखिए डिवाइड हो गया। तो अब 40 में जो ये बचे हुए 40 में प्लस किया हम लोगों ने, ये बचे हुए 20 नंबर है, 20 नंबर को प्लस किया तो हो गया 60, और ये जो 50 है इसमें जब हम लोगों ने प्लस 10 किया तो हो गया इक्वल टू 60। तो ऐसे ही होता है, मीन होता है एक मिडल नंबर जिसमें सारे इक्वेशंस बराबर ही बराबर डिवाइड हो जाए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए उसको आपस में डिवाइड करके देखिए मीन निकालने के बाद, तो वो डिवाइड हो जाएगी आपस में, बट जाएगी, बंटवारा हो जाएगा उसका आपस में। तो देखिए कितना सिंपल होता है मीन। तो मतलब पूरे सेवेंथ का, मतलब कि पूरे जो सेवेंथ क्लास है उसका कितना आया है, उसका आया है 60%। मैंने यहाँ लिख दिया है 60% आया है क्लासेस का तो हम लोगों ने देख लिया। अब उसको जब आपस में एक ऐसा नंबर निकाला जिसमें सब आपस में बट जाए तो वो 60 आ गया। तो मतलब मीन और एवरेज यही होता है, एक नंबर जो सब नंबर को बराबर बराबर डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जैसे 60 था, हम लोग आपस में सारी इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, इक्वेशंस नहीं सॉरी नंबर्स को, तो आया सेवेंथ का 60। अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को बस चार चीजें करनी है आपको, चार चीजें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फ्रेंड्स, मेरा स्कूल की एक्टिविटीज है, टेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बहुत बिजी हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम, मैं ना बहुत थोड़े थोड़े दिन बाद गैप में अपलोड करूंगी वीडियो, जैसे कि कभी कभी मैं अगर 1 वीक भी लग गया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा जल्दी अपलोड कर दूँ कि 1 वीक ना लगे, बट अगर लग गया तो आप लोग प्लीज़ वेट कर लीजिएगा और हमेशा अपडेट रहिएगा। अगर नहीं, अगर आप लोग अपडेट रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो कभी भी आ सकता है, इसीलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने इन क्वेश्चन, अब हम लोगों ने ये जब कर लिया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तो समझ आएगा कि हम लोग समझ चुके हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गुन्नर जी क्रिएटर। बाय।